हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है द हिंदू के शॉर्ट नोट में 20 जून के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा है फनॉन से रिलेटेड जो आया हुआ है वो हम देखेंगे। तो फनॉन क्या है? ये एक क्वांटिसाइज्ड माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन है, सॉलिड मटेरियल में होता है और क्वांटिसाइज माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन इन अ सॉलिड मटेरियल। दे कैन इंटरैक्ट विद द फोटॉन्स, मतलब ये इंटरैक्ट कर सकते हैं फोटोन के साथ, ठीक है, इन सम वेज। इसमें क्यूबिट्स की भी बात हुई है, क्यूबिट स्ट्रम भी आया है, ये भी जानेंगे। क्वांटम कंप्यूटर आर क्यूबिट एज देयर बेसिक यूनिट। तो क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करते हैं क्यूबिट को एज देयर बेसिक यूनिट। अब देखो जो ये आर्टिकल आया है उसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आजकल क्वांटम कंप्यूटर्स प्लस एआई का ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है, कि इसमें मतलब ज़्यादा ही यूज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है या इंटरेस्ट में है किसमें, कंप्यूटिंग में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यूबिट देख लिया आपने कि क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करता है क्यूबिट को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो ये क्यूबिट है कैन बी पार्टिकल लाइक, मतलब इलेक्ट्रॉन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और क्वांटम सिस्टम। क्वांटम कंप्यूटर जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अदर फॉर्म ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग अगर देखें तो यूज़ अदर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, LOQC का फुल फॉर्म है ये, तो अदर एग्जांपल है इसका, जिसमें क्या क्या यूज़ होता है, यूजेस मतलब क्या क्या करते हैं, फोटॉन द पार्टिकल ऑफ लाइट एज क्यूबिट, जिसमें क्या करते हैं LOQC लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं फोटोन को, और क्या है ये, द पार्टिकल ऑफ लाइट एज क्यूबिट। LOQC ये ऑफर करता है यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि मिरर, लेंसेज, स्प्लिटर एंड वेव प्लेट्स विद फोटोन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। फोटोन आर पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। तो जो फोटोन होता है ये क्या है, पैकेट है लाइट एनर्जी का, और फोनॉन जो है ये पैकेट है वाइब्रेशनल एनर्जी का। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस जानना है इसमें तो ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी कि जो फोटोन है वो पैकेट है लाइट एनर्जी का, एंड फोनॉन आर द पार्टिकल्स ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी। इफ़ दीज फोनॉन्स आर कन्वर्टेड टू साउंड, अगर इस फोनॉन को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साउंड में, देयर फ्रिक्वेंसी वुड बी टू हाई फॉर ह्यूमन टू हीयर। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी फॉर ह्यूमन्स टू हीयर, मतलब अगर जो फोनॉन है इसको कन्वर्ट कर देते हैं साउंड में तो उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है, और ह्यूमन को मतलब अगर वो सुनने के लिए, जैसे बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की होगी तो एक तरीके से जो साउंड पोल्यूशन और वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करेगा। बेटलग्यूज से रिलेटेड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर से आज आया हुआ है तो देख लेंगे। रेड स्टार बेटलग्यूज जो है, जो अगर आप वैसे नोट्स में लिख रहे हो ना तो आप उसी के बगल में जहाँ पे हमने बेटलग्यूज का ऑलरेडी कर रखा है वहाँ पे आपको करना है, पर अगर वहाँ पे पेज नहीं खाली है तो आप वहाँ पे पेज एक चिपका लेना, वहीं पर कर लेना। तो रेड स्टार बेटलग्यूज इन कॉन्स्टिलेशंस ओरियन सो सम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिख रहे हैं बेटलग्यूज के, उसकी बात यहाँ की जा रही है। इन लेट 2019 एंड 2020, मतलब लेट 2019 और 2022 में क्या देखा गया कि ये फेंटर दिख रहे हैं, मतलब फेंट हो रहे हैं। इवेंट बिकम नोन एज ग्रेट डिमिंग, जिसको क्या कहा गया, ग्रेट डिमिंग मतलब डिम हो रही है, जैसे लाइट नहीं डिम होती है उस तरीके से डिम देखी जा रही है। पर फिर क्या हुआ, बिकम ब्राइट अगेन, उसके बाद फिर से वो ब्राइट दिखने लगे फ्यू डेज के लिए, ठीक है। और ये जो साल चल रहा है इसमें, मतलब इस साल जो ये साल है इसमें क्या देखा गया कि फ्यू डेज के लिए ब्राइट दिख रहे हैं। इट वॉज ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन। यूजुअली जो स्टार होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब वो फ्लक्चुएट नहीं होते। सेम मतलब जैसे उसमें क्या होता है, जैसे स्टेबल का मतलब क्या कहा जा रहा है, यूजुअली स्टार स्टेबल यानी कि वो फ्लक्चुएट नहीं करते, डिम होना ये वो जो भी इनकी लाइट है जिस तरीके से उनकी शाइनिंग है वैसी रहती है, वो एक स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। पर कुछ स्टार ऐसे हैं
जैसे जिनको कहा, कुछ स्टार्स ऐसे हैं डब्ड वेरिएबल स्टार, जिनको वेरिएबल स्टार्स कहा जाता है, वो चेंज करते हैं अपनी ब्राइटनेस को, ठीक है, वो अपनी ब्राइटनेस को चेंज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखना है, वेरिएबल स्टार्स कहते हैं जो अपनी ब्राइटनेस को चेंज करते हैं। अब देखो ये आप किस तरीके से याद कर सकते हो, वेरिएबल यानी कि वेरिएशंस यानी कि चेंजेस। इसमें मोस्ट फेमस है मीरा, मीरा इसको कहा जाता है द स्टार ऑफ वंडर, मीरा को कहा जाता है स्टार ऑफ वंडर। डिस्कवर किया गया था ये जो वेरिएबल स्टार है बाई जर्मन पेस्टर डेविड फैब्रिसस, कब, 1596 में। अब ये देखो यहाँ पे एक टर्म आया है पल्सेटिंग स्टार। देखो ऑलरेडी हमने बेटलग्यूस के बारे में डिस्कशन कर रखा है, फिर से आ रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है समवेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। तो पल्सेटिंग स्टार की बात की जाए, इसमें क्या कहा जा रहा है, पल्सेटिंग स्टार विच रेगुलरली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो पल्सेटिंग स्टार वो होते हैं जो रेगुलरली क्या करते हैं, एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं और सिकुड़ते रहते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल दिया गया है एल्गोल को। कौन कौन से एग्जांपल हमारे निकल के आए, एक हो गया मीरा, एक हो गया एल्गोल, ठीक है। बेटलग्यूस की अगर बात करें तो ये सेवंथ ब्राइटेस्ट स्टार है, और ब्राइटेस्ट स्टार ये किस कैटेगरी में है, वेरिएबल स्टार्स में। सम टाइम बिकम्स नियरली ब्राइट एज रीगल। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि सम टाइम इतना ब्राइट होता है जैसे कि नियरली एज ब्राइट एज रीगल, यानी कि इससे क्या पता चला कि जो रीगल है वो ब्राइटेस्ट स्टार है। यहाँ पे बताया भी गया है कि ये फोर्थ ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है, फोर्थ ब्राइटेस्ट स्टार है। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, मीरा, एल्गोल एंड रीगल, तीन स्टार्स के बारे में हमें यहाँ से पता चला। वेरिएशंस कॉज्ड बाई, ये वेरिएशंस जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पल्सेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा ये साइंस वाले पेज पे आया हुआ है, ये मोस्टली दोनों ही टॉपिक साइंस टेक के हैं, आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अगर अलग अलग नोट्स आप बना रहे होगे साइंस का अलग ये हो तो आपको इजी पड़ जाएगा, और नहीं तो टॉपिक लिख के आपको करना है, सॉरी ये ज्योग्राफी में अभी आप डाल सकते हो, वो साइंस का था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस अफेक्ट अर्थ टिल्ट। तो ये कहा जा रहा है जैसे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब अफेक्टेड हो रहा है क्या, अर्थ टिल्ट। अब इसमें साइंटिस्ट ने क्या बोला, साइंटिस्ट नोज दैट, मतलब वो जानते हैं कि मूवमेंट जो है वाटर का कैन अफेक्ट अर्थ रोटेशन। तो जो मूवमेंट है वाटर का वो अफेक्ट करता है अर्थ के रोटेशन में। और क्या पाया गया है कि 2150 बिलियन टन्स ग्राउंड वाटर पंप किया गया, ड्रेन किया गया ओशियन में, कब से कब, 1993 से 2010 तक। अब रेजिंग सी लेवल बाय 6.2% मतलब 6.2% सी लेवल राइज हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो अफेक्ट करता है चेंजेस, अफेक्ट एंड चेंज इन एक्सिस। तो जिससे क्या होती है, एक्सिस भी जो है वो चेंज होती है अर्थ की, एक्सिस भी चेंज होती है अर्थ की और डे, ठीक है, एक्सिस चेंज होती है तो इसके बारे में बात की जा रही है, टिल्ट होती है, अर्थ टिल्ट होती है। इसे एक IR का है जिसमें मतलब इंडिया और बात की गई है, तो उसमें प्रोजेक्ट प्रगति की बात हुई है, तो वो देख लो। इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशंस। इशू किया गया है लॉन्ग पेंडिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, एक ही बात ऑर्डर है, और क्लियरेंस जनरली पॉजिटिवली स्मूदन एंड द सिस्टम एंड डी बॉटलनेक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। ये जो है एक समिट की बात यहाँ पे की गई है, समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट। तो ये कब होने वाली है, ये होगी 22 से 23 जून के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसका एम क्या है ये भी जान लो, किसका एम, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट का, टैकल करना क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, फाइट अगेंस्ट इन इक्वालिटी एंड ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये जो समिट है वो को ऑर्गेनाइज्ड की जा रही है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, सॉरी फ्रांस और इंडिया के बीच में। तो बस ये था हमारा आज का द हिंदू के शॉर्ट नोट का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और बस आज यही था, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।